नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता त्रिपाठी। आज हम लोग कोरोना की बात करने वाले हैं। 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, इसलिए मैंने ये मास्क पहन कर ही आज ये प्रोग्राम करने की के बारे में सोचा था, क्योंकि कोरोना के जो तीसरी लहर है, जिस तरीके से उसके मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार भी उसको लेकर काफी संवेदनशील दिखाई दे रही है, क्योंकि कल मोदी जी ने सुबह तो रैली की और रैली के तुरंत बाद उनको ये ख्याल आया, रैली की भीड़ को देखकर, कि शायद जो तीसरी लहर है, जो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है, वो कोरोना की तीसरी लहर के रूप में आ सकता है और उससे नुकसान भी काफी हो सकता है। तो उसके तुरंत बाद उन्होंने दिल्ली में अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई और उस बैठक के बाद से शाम को मध्य प्रदेश में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और मध्य प्रदेश उससे बिल्कुल सटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में भी ये होना ही था। उत्तर प्रदेश में भी 25 तारीख से रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक, क्योंकि कोरोना दिन की रैलियों में तो आता नहीं है। कोरोना की तो आदत है, वो शहंशाह की तरह अंधेरी रात में सुनसान गलियों पे वो घूमता रहता है और अपने जो उसके शिकार है उनको ढूंढता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब दूसरी लहर आई थी उस वक्त भी बंगाल में चुनाव हो रहे थे, उस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इसकी याद नहीं आई थी कि ये जो महामारी है उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, किस तरीके से लोगों की जान जा सकती है। हमारे देश का में उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और वो लगातार बदस्तूर बंगाल में अपनी रैलियां करते रहे और लोगों की जान माल की उन्होंने परवाह नहीं की। काफी लोगों की जाने गई, हजारों लोग की जाने गई। कागज में अगर आप जाएंगे तो हजारों लोग हैं, लेकिन अगर बिना कागज की बात करिए, जिनका कहीं भी लिखा पढ़ी में नाम नहीं आया है, जिनकी लाशों को यूं ही जला दिया गया, जिनकी लाशों को गंगा जी में छोड़ दिया गया तैरने के लिए, और कई जगहों पे जिनकी लाशों को जमीन में गाड़ दिया गया, उनको जो उनके लास्ट रिचुअल्स होते हैं, जो लास्ट राइट है, अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो पाया, अगर हम उनको भी काउंट करें तो वो तादाद लाखों में हो जाती है। तीसरा वेरिएंट पिछले 1 महीने से, अगर आप पूरे विश्व की बात करिए तो सारे देशों में आ चुका है। कल की अगर बात करें अमेरिका में कल 1 लाख केसेस आए हैं ओमिक्रॉन के। लेकिन हमारी चूंकि आदत है हमें देर से जागने की, तो प्रधानमंत्री जी ने कल जब बैठक ली उसके बाद से सारा का सारा सरकारी अमला हरकत में आया और जो बड़े बड़े शहर हैं देश के, उन सभी में इन लोगों ने क्रिसमस और न्यू ईयर ईव को लेकर रात्रि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, साथ ही साथ धारा 144 लगा दी। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इसके पीछे जो देश में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव हैं वो भी इसके बैकग्राउंड में हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे जो उत्तर प्रदेश की हम अगर खास तौर से बात करें कि उत्तर प्रदेश की काफी उर्वरा भूमि है राजनीति के मामले में, और उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा से ही सेमीफाइनल माना जाता है देश के चुनाव का, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सांसद आते हैं और राज्यसभा में भी अच्छे खासे जो नंबर हैं वो उत्तर प्रदेश तय करता है। इसलिए सारे जो भी सियासी दल हैं उनकी नजर हमेशा से ही, वो एक कहिए कि गिद्ध की नजर रखते हैं वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में। हमारे आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी, पिछले 1 महीने की अगर बात करिए तो कम से कम वो 12 बार आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी मंचों से चुनावी रैलियां करने के लिए। सरकारी मंचों से मैंने इसलिए बोला क्योंकि सारा जो भी उनका खर्च हो रहा है वो सरकार के खजाने से, जो हमारा आपका टैक्स का पैसा है, टैक्स पेयर के पैसे से वो सारा खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री की एक रैली होती है, उसका जो टेंट लगता है, उसका जो भी कनाते लगती हैं, जो भी तैयारियां होती हैं, उसमें 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और ये सारा खर्च अलग अलग सरकारी विभागों से, अलग अलग मदों से किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले अभी सरकारी आदेश जारी हुए थे परिवहन विभाग के जो MD हैं उनकी तरफ से, कि भाई प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वहां पे मनरेगा के मजदूरों को लाया जाए, वहां पे जो बसेस हैं, टोटल हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 11,000 बसेस हैं, जिसमें से 8,000 ही हमेशा एक्टिव रहती हैं, बाकी की 3,000 वो हमेशा पड़ी रहती है सर्विसिंग सेंटर में। तो 3 से 4 हजार बसेस तो लगी रहती हैं इनकी रैलियों को कराने में। आम जनमानस को दिक्कत होती है, कोई बात नहीं भाई, वो राजा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हमने आपने उनको वोट दिया था, उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था, तो इतनी तो दिक्कत हम लोग को भाई झेलने की आदत डालनी पड़ेगी कि वो प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो जो चाहें वो करें। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की फिलहाल फिर से राजनीति की बात करें तो सारे राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से कहा जाए कि जो शतरंज की बिसातें बिछ चुकी हैं उसमें आ रहे हैं, और आने के साथ साथ वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्यों वोट दिया जाए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पिछले 4.5 साल से है, देश में पिछले 8 साल से है,
तो जो दो एंटी इनकमबेंसी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके मुकाबले जो सपा गठबंधन है, जो कि मेन ओपोनेंट पार्टी समाजवादी पार्टी है, उसने भी अपना विजय रथ निकाला अखिलेश यादव के नेतृत्व में। और जिस तरीके का अपार जनसमूह, जन सैलाब, जन समर्थन मिल रहा है अखिलेश यादव को, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने एक हलचल सी मची हुई है। आप देख रहे होंगे इस हलचल का नतीजा कि कई सारे विज्ञापनों में से योगी आदित्यनाथ का चेहरा ही गायब है, वहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं और सीधे वो लाल टोपी पे हमला कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस बात का एहसास है कि उनका मुकाबला अखिलेश यादव से है। वो ना बसपा का जिक्र कर रहे हैं, ना ही वो प्रियंका गांधी का जिक्र कर रहे हैं, वो सीधे बात कर रहे हैं, लाल टोपी की बात कर रहे हैं, वो जालीदार टोपी की भी बात करने लगते हैं, वो फूटे वाली जो तहमत होती है लुंगी उसकी बात करते हैं। तो ये बात मोदी को भी पता है कि हमारा मेन मुकाबला इस बार अखिलेश यादव से है, और अखिलेश यादव की जो विजय रथ है उसमें काफी उनको अच्छा खासा लोगों का समर्थन मिल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की जो जन विश्वास इन्होंने जो रथ यात्रा निकाली थी उसका क्या हाल हुआ आप सबके सामने है। और अखिलेश यादव ने इसीलिए उनको चाउमीन का ठेला बोला कि बिना किसी तैयारी के भारतीय जनता पार्टी ने ये चाउमीन का ठेला जो सड़कों के किनारे लगता है वो निकाल लिया है, लेकिन कोई तैयारी नहीं कर पाए। तो कल की जो बैठक हुई है, हम फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं कि कल की जो बैठक हुई है उसे कहीं ना कहीं राजनीतिक जो हलका है उसमें ये एक बातचीत कल से ये हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी खस्ता हालत देखकर कोरोना के मार्फत इस चुनाव को 6 महीने के लिए टाल दे। कल ही हाईकोर्ट के एक जस्टिस हैं शेखर यादव, उन्होंने कल एक बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई कर रहे थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार दोनों को ही ताकीद की है कि बंगाल के चुनाव का हशर आप देख चुके हैं, और उसी वक्त उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हो रहे थे, और किस तरीके से पंचायत चुनाव के दौरान सेकेंड वेव आई कोरोना की और हजारों की तादाद में लोग मरे, गंगा में तैरती लाशें, फाफामऊ पुल के पास जमीन में गड़ी हुई लाशें जिनमें रामनवमी लपेटी गई थी और वो भी बहुत ही बेरहमी से उसको निकाला गया, और ऑक्सीजन की कमी से कैसे लोग मरे, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं उस तरीके की नहीं है। तो उन्होंने केंद्र सरकार को ये कहा है, अपनी राय दी है कि आप इस बारे में भी सोचें, क्योंकि जान है तो जहान है, अगर जान रहेगी तभी चुनाव कराएंगे आप, और तभी जो लोकतंत्र की बहाली की जो बातें होती हैं वो सही मायनों में आयाम ले पाएगी। तो शेखर यादव जी ने ये बात की, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं और देश में जिस तरीके से जो तीसरी लहर आने की जो संभावना जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो जता रहे हैं, तो उसके मद्देनजर ये हो सकता है कि केंद्र सरकार इन चुनावों को 6 महीने के लिए टाल दे, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा भंग कर दें और कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहें, या फिर केंद्र सरकार यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दे सितंबर तक, ताकि इस जो 6 महीने मिलेंगे उनको उसमें वो चुनाव की तैयारियां करें और अपने पक्ष में माहौल को फिर से बना लें। ये बात मैं ऐसी नहीं कह रही हूं, इस बात को कहने के पीछे वजह यह है कि आज ही सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बहुत बड़े नेता हैं और माना जाता है कि वो जो भी कहते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ डेप्थ होती है, वो ऐसे ही हल्की फुल्की बातें नहीं करते हैं। तो आज सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये कहा है कि जिस तरीके से तीसरी लहर आ रही है और कोरोना की दूसरी लहर में जो लोग मारे गए थे उससे हमें सीख लेते हुए इस तीसरी लहर के मद्देनजर चुनाव को शायद मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी भी पुष्ट नहीं है ये खबर कि चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ये फैसला ले सकती है कि सितंबर तक के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को, उत्तर प्रदेश ही नहीं जो पूरे देश में 5 राज्य हैं, 5 राज्यों के चुनाव को टाल दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। राष्ट्रपति शासन लगाने का सीधे तौर पर मतलब यह है कि केंद्र सरकार अपरोक्ष रूप से राज्यों को चलाएगी और जो भी यहाँ पे कामकाज होगा वो केंद्र सरकार के अंडर की निगरानी में ही होगा। तो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि आपको याद होगा कि जब दूसरी लहर आई थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कई बार केंद्र सरकार को ताकीद किया था, बार बार ये बोला था कि आपके लिए रैलियां करना उतना जरूरी नहीं है, जबकि लोगों की जान जा रही है, आप उसके बारे में सोचिए। रेमडेसिविर जो दवा थी जिसकी कीमत बाजार में आज की तारीख में 1,100 रुपए है, वो उस वक्त 4-4 लाख रुपए में मिल रही थी। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसकी वजह से हमारे यहाँ लोग मरे, हमारे ऑक्सीजन नहीं मिला, आपने देखा होगा कि कितनी रेल चलाई जा रही थी
ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाने के लिए। बावजूद इसके जो सरकारी आंकड़े हैं, जो लोकसभा की बैठकें हुई हैं, उसमें ये साफ तौर पे सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई भी मौत नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल चुनावी चौसठ सच चुका है और दोनों ही पार्टियां, मतलब समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है, ये आज की तारीख में जो पक्ष में है, इन लोगों ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना की वजह से ये चुनावी जो मुकाबला होना है वो कहीं फीका ना पड़ जाए और सरकार कोरोना के बहाने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दे और चुनाव को 6 महीने के लिए टाल दे, ताकि यहाँ पर चीजों को अपने हिसाब से दुरुस्त कर लिया जाए। क्योंकि जो सर्वेस बता रहे हैं, जो हम लोग जा रहे हैं जमीन पे, वो जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की हालत अभी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से चुनाव की बागडोर मुख्यमंत्री के हाथ से लेकर प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले ली है और वो अभी से उन्होंने चुनावी रैलियां शुरू कर दी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बातें हो रही हैं, सरयू नहर की बात हो रही है, वहां पर कहीं भी महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम, इसमें बात नहीं हो रही है। और अब ये सारी बातें आकर टिक गई हैं कोरोना पर, क्योंकि कोरोना से हर घर में दूसरी लहर में जाने गई थी। तो हम भी ये भगवान से दुआ करेंगे कि फिर से वो दूसरी लहर की पुनरावृत्ति ना हो और सरकार इस बार चेत जाए, चुनाव के नाम पर लोगों की जान का सौदा ना हो। और चुनाव हो, लोकतंत्र का स्थापित होना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, लेकिन लोगों की लाशों पर चुनावी रोटियां ना सेकी जाए। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम देखते हैं, हम आगे आपको भी ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे कि क्या चल रहा है पावर कॉरिडोर में और सरकार क्या चाह रही है, किस तरीके से काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।